मेरे भाई ये आपका भ्रम है कि जनता नहीं सुधर रही। आज के तारीख में आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है, यही नीतीश कुमार हैं 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 MP नहीं जीतेंगे, अभी लिख लीजिए। अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए।